जिस संशय से भगवान की कथा शुरू हो ऐसा संशय होना चाहिए, लेकिन कई लोगों का तो ऐसा संशय होता है कि होती हुई कथा बंद हो जाती है। एक व्यक्ति हमें मिला, बोला महाराज बड़े 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 विद्वान देखे, आज तक कोई हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं बता पाया, चुटकी बजा के बोलो हमारा दिमाग खराब हो। अब मन तो भाव के अच्छा एक ठैया दे दी दबा के, लेकिन अब क्या करें, लोग क्या कहेंगे बताओ, व्यास जी गुस्से लेंगे कंट्रोल करके। हमने कहा भैया होगा ऐसा कोई तुम्हारा प्रश्न का उत्तर? अरे बोले बड़े 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 विद्वान देखे। अरे हमने कहा भैया तो बता तो का प्रश्न है ऐसा जो बड़े बड़े विद्वान ना बता पाए, हो सका हम ना बता पाए पर बता तो। बोले अच्छा बताओ श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्या था? हमने कहा बताओ, पूछन गया ये और फिर वही चुटकी भाई बड़े बड़े विद्वान देखे। अब तो मन भाव की ये कमरा में बुला ली, लेकिन क्या करें। हमने कहा देखो श्रीमान जी बुरा मत मानो, श्रवण कुमार के माता पिता के नाम से क्या लेना देना, माता पिता और श्रवण कुमार से सीखा क्या है उससे ले दो, नाम से थोड़ी सीखना है, उनकी कथा से शिक्षा लो। लेकिन फिर वो चुटकी बजा बड़े 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 विद्वान, हम भी बड़े वाले सौदंडी एक बुंदेलखंडी, हमारा भी दिमाग खिसक गया। हमने कहा उनका नाम था मुन्नी बायो चंगीलाल, ले दिमाग खराब हो गया, आज तक उन्हें जवाब नहीं। अब हे ऐसा कैसे, ऐसे कैसे मुन्नी भाई कहां लिखा है? हमने कहा कहां नहीं लिखा बता, हम तो अपने काम में लगे ही होते हैं और लग जा। आ भगो छूटा को फिर नहीं रुको, बोले कुछ भी बोल देते मुन्नी भाई। अब भाई उनसे क्या लेना देना, नाम से तुम्हें क्या लेना देना, भाई जो उनसे सीखना चाहिए वो तो सीखा नहीं, नाम के पीछे पड़ गए। अब गांव में अक्सर यही होता है, बोले अच्छा बताओ महाराज सूप नखा की नाक कटी थी कहां गिरी थी? बता। अच्छा तुम नाक को का करने अपनी लगाऊ ने कहा, जहां गिरी सो गिरी, नाक कटवे से तुम जो सीखो के काम लेकर राम के पास ना जाओ नहीं तो नाक कट जाएगी, राम के पास राम लेकर जाओ तो नाक बच जाएगी। एक जने और मिले, बोले महाराज गणेश जी को वो मूड कटो तो ऊ कहां गाओ और कैसे काटो तो। अब हमने कहा अब भैया देखो हमें तो बंद, अभी अभी एक डेढ़ महीना पहले एक जने और मिले, बोले गुरु जी जो सूप नखा की नाक कटी वो तीर से काटी थी कैसे काटी थी? हम कहा हम तो थे नहीं कि छोरा से काटी थी कि तीर से, जो भर पतो है हमने पड़ो है कि कटी है, एक काम करो तुम कटवा लो फिर तुम लिख दियो कैसे कटी, फिर नहीं रुको भग गाओ बता भी तुम्हें इससे क्या अर्थ बताओ, इससे कोई मतलब है, इससे क्या अर्थ निकलना, नाक कटने का कारण क्या है उस अर्थ को समझो, कटी कैसे इससे क्या मतलब निकलने वाला है, कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला। अब एक जने और बोले, बोले महाराज भगवान ब्रह्मा विष्णु विष्णु इनके बाप का नाम, अरे हम की बाप के नाम से क्या लेना देना, तो मैं कौन रिश्तेदारी करने जाना, बिटिया की कुंडली तो मिलानी नहीं है, भगवान से जो सीखना चाहिए वो सीखो। तो कई लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि होती हुई कथा बंद हो जाती, आओ आओ आओ, आओ, आओ होते हैं, आप लोग तो सज्जन हो, आप लोगों की बात नहीं हम कर रहे हैं, आप लोग तो बड़े धर्मात्मा आदमी, इंद्र की सभा के लोग हो आप लोग, ये तो हम दूसरे शहर की बात बता रहे हैं। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रामन मरन मनुज कर जांचा, प्रभु विधि बचन कीन चैसा। तो जब सती को संशय हो गया कि राम जी राज संशय भया, भोले बाबा ने अगस्त मुनि को प्रणाम करके अपने कैलाश पर्वत के जाने का विचार किया, तो रास्ते में ही राम जी मिल गए और उस वक्त मिले त्रेता युग चल रहा था, तो जब राम जी मिले तब जानकी जी का हरण हो चुका था। तो पिता बचन तज राजू उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिता के वचन मानकर
राम जी वन में चले जा रहे थे। करी छल मूड़ हरी बेदे ही प्रभु स्वभाव तस विदित न दे। श्री जानकी जी के हरण पर राम जी विचरण कर रहे थे, तब ही सती और भोले बाबा मिल गए। भोले बाबा ने राम जी को देखा, राम जी ने भोले बाबा को, पर बात नहीं की, आंखों ही आंखों में बात की। शंकर जी बोले, कहो सरकार कैसे हो? राम जी बोले, हम बढ़िया, आप बताओ। भोले बाबा बोले, हम भी बड़े आनंद में। केवल सच्चिदानंद भगवान की जय हो, ऐसा भोले बाबा ने कहा और प्रणाम करके आगे बढ़ गए। राम जी के रूप को देखा, भरी लोचन छबे सिंधु निहारी, भरी लोचन छबे सिंधु निहारी, भरी लोचन छबे सिंधु निहारी, भरी लोचन छबे सिंधु निहारी। पहचान करना उचित नहीं है, जय हो। इतना कहकर के भोले बाबा बढ़ गए। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनो दशा शंभु के देखी, सती जो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विषेकी, और उपजा संदेह विषेकी, को समय जान नकीन चनारी, को समय जान नकीन चनारी, भर लोचन छव सिंधु निहारी, भर लोचन सिंधु निहारी। श्री राम जय कर भोले बाबा राम जी को जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम करके चल दिए। आंखों से राम जी के दर्शन करके गदगद हो गए, पर कुसमय जान करके कुछ बोले नहीं, आगे बढ़ गए। सती जी तो पहले ही संशय, दूसरा फिर ये कौन है? हमारे भोले बाबा इनको क्यों प्रणाम कर रहा है? अरे ये तो राजा के राजकुमार हैं, पत्नी गुम गई उसी के चक्कर में ये घूम रहे, और बताओ उनको ये सच्चिदानंद कहते। भोले बाबा से बोले, सरकार ये कौन थे? बाबा बोले, सती जिनकी कथा सुनकर आई वही जगतपति थे। जगतपति? अरे कैसी उल्टी बातें करते हो महाराज, ये अपनी पत्नी के विरह में रो रहे और आपको ये जगतपति नजर आ रहे। भोले बाबा बोले, देवी काश तुमने कथा ध्यान से सुनी होती तो ये मन में संशय नहीं आता। भैया जो भगवान की गाथा को ध्यान से सुनता है उसके सब संशयों का पंछी उड़ जाता है। अच्छा हम नहीं मानते? भोले बाबा बोले, मानना तो पड़े, हम नहीं मानते। अच्छा अब नहीं मानना है, अब जैसा तुम्हें लगे, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। तुम्हें लगता है ये भगवान नहीं है तो परीक्षा ले लो। सती जी नहीं मानी, और भगवान की परीक्षा लेना बड़ा बेकार है। भगवान की जो परीक्षा लेता उसका नाश होता, भगवान की जो प्रतीक्षा करता उसके घर पर राम जी आते हैं। परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करो। लेकिन सती जी नहीं मानी,
अंत में भोले बाबा ने विचार किया, हुई यही सुई जो राम रची राखा, हो करी तरक बड़ा भय साखा, हो करी तरक बड़ा भय साखा, अस कही लगे चपन हरि नामा, सुख धामा गई सती का प्रभु सुख धामा, हुई यही सुई जो राम रची राखा, भोले बाबा मन में विचार करते हैं, अब जो राम जी ने रचा होगा वही होगा, मानने वाली नहीं है सती। तो बाबा नाम का जप करने लगे और बैठ गए। सती आई राम जी के पास तो ध्यान में विचार किया कि ऐसा क्या परीक्षा ली जाए कि पता चल जाए ये भगवान है। एक काम करते हैं, इनकी पत्नी सीता का हरण हो गया, अगर हम सीता बनकर आगे रास्ते में खड़े हो जाएंगे और ये भगवान नहीं होंगे तो सीता सीता मिल गई, सीता मिल गई, सीता कहते हुए नजदीक आएंगे तो फिर हम असली रूप बना लेंगे कि तुम भगवान नहीं हो। अगर सीता का भेष बनाकर हम खड़े हो हमको पहचान जाएंगे कि ये सीता नहीं ये सती है तो प्रणाम करेंगे, इससे निश्चित हो जाएगा कि ये भगवान है भी कि नहीं। सीता का सती ने भेष धारण किया, रास्ते में खड़ी हो गई। कल राम कथा में हम आप सबने श्रवण किया था, श्री जानकी जी का रूप धारण करके मां सती मध्य में खड़ी हुई, लक्ष्मण जी चकित हो गए, राम जी समझ गए। और जैसे ही समझ गए तो राम जी तो अंतर्यामी हैं, निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। राम जी बड़े भाव के साथ मां सती को देख करके कहते हैं, मां हाथ जोड़ लेते हैं और हाथ जोड़ करके जोर पान प्रभु कीन है प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता के समेत राम जी ने नाम लिया। मां आप कहां घूम रही हैं, यहां वन में अकेले कहां है, भोले बाबा कहां हैं? और जहां इतना कहा सोई सती जी तो सोच रही थी अरे राम 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 राम, हम तो सोच रहे थे कि हम तो सीता हैं तो ये सीता सीता कहते कहते नजदीक आए, ये तो उल्टा हो गया, ये तो हमसे हमारे भोले बाबा का पता पूछ रहे। हड़बड़ा गई मां सती, पसीना आ गया, मुख से कोई वचन नहीं निकले, मन ही मन पछताने लगी, मैं शंकर कर का न माना, हमने भोले बाबा का कहा नहीं माना, काश हम अपने भोले बाबा का कहा मान जाते तो आज यह क्षण देखने को नहीं मिलता। देखो सज्जनों मेरे पागलो, जिंदगी में याद रखना, माता पिता गुरु स्वामी सखा, स्वामी का अर्थ पति भी होता है, पति देव। अगर कोई वाणी बोले उस वाणी पर किंतु परंतु क्यों मगर नहीं करना चाहिए, अपितु सिद्धांत पूर्वक मान लेना चाहिए। हाँ, अगर कल्याण चाहते हो तो साहर्ष स्वीकार करें,
आज माँ सती पछता रही है। राम जी ने माँ सती के इस भेष को देखकर कौतुक किया। जब राम जी प्रणाम करके आगे बढ़े तो रास्ते में राम जी ने तीनों के दर्शन करवाए। आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम, बीच में जानकी जी, पीछे लक्ष्मण जी, तीनों के दर्शन कराए। समझ गई सती कि ये राजकुमार नहीं है। काश हमने कथा ध्यान से सुन ली होती। भैया आज की कथा जब हमने शुरू की तब हमने निवेदन किया ना, भैया मेरे प्यारे कथा डूब कर सुनो, डूब जाओ, कथा तुम्हारे चित्त में ना बैठे, कथा में आकर तुम बैठ जाओ, इतना डूब कर सुनो। सती आज पछता रही, काश हमने कथा सुनी होती तो ये पछतावा नहीं होता, ये भूल ना होती। भगवान को समझना है ना, देखो मां सती होकर के भी भगवान को नहीं पहचान पाई, विचार करिए हमारे जैसे आपके लोग भला भगवान को कैसे पहचान पाए। मां सती क्यों नहीं पहचान पाई, कथा नहीं सुनी। और हम लोग भी पहचान सकते हैं, भगवान अपना परिचय करा भी देंगे अगर कथा सुनेंगे। वापस आई, आकर के भोले बाबा ने पूछा, देवी जी एक बात बताओ, गई हो परीक्षा लेने? क्या परीक्षा ली तुमने? एक तो पहली गलती की भगवान पर भरोसा नहीं किया, दूसरी गलती भगवान की कथा नहीं सुनी, तीसरी गलती अपने पति महादेव की बात नहीं मानी। याद रखना, एक गलती दूसरे गलती को जन्म देती है, एक भूल दूसरी भूल को जन्म देती है। अगर तुम एक झूठ बोल जाओगे कि भैया वहां पर हमने चार चील देखे, कौवा, चील, चार, तो कोई पूछेगा अच्छा भैया किस किस ने देखा, तो तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा कि एक और आदमी था, हम पहचानते नहीं। एक भूल दूसरी भूल को जन्म देती है। मां सती ये भूलें करती गई, फिर और एक भूल करी मां सती ने, क्या? अब फिर झूठ बोली। तब शंकर देखो धरी ध्याना, क्या देखा? सती ने झूठ कहा, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। स्त्रियों का ज्यादातर, क्षमा करिएगा, कई बार स्वभाव होता है, तो स्वभाव की आदि। मां सती ने झूठ बोला, भगवान भोले बाबा ने देखा तो मन ही मन त्याग कर दिया कि जब इन्होंने मेरी मां का रूप धारण कर लिया तो हम इन्हें पत्नी रूप में तो स्वप्न में भी नहीं देख सकते। वहीं पर भोले बाबा ने मां सती का परित्याग कर दिया।